हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आप सभी के पसंद यूट्यूब चैनल रॉ एजुकेशन में। नई शिक्षक भर्ती अपडेट में इस वीडियो में बातचीत करेंगे, बहुत विश्लेषित चर्चा रहेगी और लगातार आप लोगों के लिए ही ये कोशिश की जा रही है कि आप सभी कुछ बेहतर अचीव करने के लिए आगे बढ़ते रहें, क्योंकि इस समय जो परिवेश है, जो माहौल क्रिएटेड है, वो सही नहीं है। हर लिहाजा से आपकी भर्ती के लिए नहीं सही है, आप की अचीवमेंट के लिए नहीं सही, आपके गोल्स को पाने के लिए नहीं सही और आपकी पढ़ाई के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए, भय का माहौल चारों तरफ व्याप्त है, एक अनजाना सा फियर है और क्या करें क्या ना करें, इन सभी चीज़ों के बीच में आप लोगों को नई शिक्षक भर्ती की तैयारी करनी है। तो आप लोगों को एक मोटिवेशन के रूप में ये वीडियो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप सभी को दूँ और उम्मीद करूँगा कि इससे आप कुछ बेहतर और कुछ अच्छा करने की कोशिश करें। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं दोनों शिक्षक भर्तियों की। तो दो शिक्षक भर्तियाँ हुई हैं, आप लोगों को पता है। एक हुई 68,500 शिक्षक भर्ती, जिसमें जो दावेदार हैं वो लगभग 1,00,000 के आसपास थे और उसमें ज़्यादा कैंडिडेट ना होने की जो प्रमुख कारण था वो था बीएड कैंडिडेट का शामिल ना होना। लेकिन जब 69,000 भर्ती आई और उसमें बीएड कैंडिडेट को अलाउ किया गया तो नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है 1,00,000 से सीधे उठकर 4,31,000 टोटल नंबर ऑफ और जो फॉर्म फिलअप किए गए थे लगभग इसके हिसाब से हुए थे और एग्ज़ाम में टोटल 4,10,000 लोगों का आंकड़ा सामने निकल कर आया जिन्होंने परीक्षा दी थी। यानी कि ये रहा आपके 69,000 पदों के सापेक्ष। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इस भर्ती परीक्षा में मैं मोटे तौर पर 69,000 की बात करूँ, अगर कि पहले बात करूँ 68,500 की, तो इसमें 1,00,000 में लगभग 42,556 लोग एक बार में सफल होते हैं और लास्ट में जाते जाते 46,000 समथिंग हो जाते हैं सफल। यानी कि फिर भी लगभग 22,000 सीटें अभी भी बची हुई हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ सीट फिलअप नहीं हो पाई थी, ये हालत थी। लेकिन जब ये 69,000 भर्ती आई तो 4,31,000 में से लगभग 1,36,000 के आसपास लोग सफल होते हैं इसमें, लेकिन पद 69,000 हैं। बचे हुए लोगों के पास एक तो 68,500 का रहा जो भी उनके पास एक्सपीरियंस, और उसके बाद 69,000 का एक्सपीरियंस हो गया, तो वो तो पहले से एक स्टेप आगे हैं, उनके पास कॉन्फिडेंस लेवल उनका ज़्यादा है। आपको दो ऐसे प्रतिभागियों को पीछे करना पड़ेगा जिनके पास दो भर्तियों का मजबूत एक्सपीरियंस है, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ, छोटी मोटी बात नहीं बोल रहा हूँ। और मुझे अनुभव है इन दोनों भर्तियों का, लगातार आप लोगों के समक्ष बीच में रहा हूँ, आप लोगों के लिए लगातार प्रयासरत रहा हूँ, एक एक पदों की बात हमेशा करता आया हूँ और हमेशा वैलिड अभ्यर्थी के पक्ष में अपनी बात को रखता आया हूँ। तो मुझे पता है कि पीड़ा क्या होती है, जब सिलेक्शन के एकदम करीब आकर एक एक रंग से रुक जाना, तो वो पीड़ा वो व्यक्ति ही विशेष बता सकता है, कोई भी उस पीड़ा को अनुभूति उसकी नहीं कर सकता है। लेकिन आप उस पीड़ा के कगार पर ना पहुँचें, इसलिए सचेत वाली वीडियो है ये। मैं बार बार आपको सचेत, जैसे इन दो भर्ती परीक्षाओं के अभ्यर्थियों को अध्यापक बनने तक के सफ़र में मैं हमेशा साथ कहता आया हूँ और हमेशा साथ रहा हूँ। वैसे जितनी भी शिक्षक भर्तियाँ आएंगी, सभी कैंडिडेट के लिए हमेशा रॉ एजुकेशन चैनल स्टैंड अपना लेता है और हमेशा आपका साथ देता है, तब तक जब तक आप प्राथमिक में सहायक अध्यापक के पद पर ना आसीन हो जाए, तो आपका हमेशा साथ देता आया है और देता रहेगा। तो आप लोगों को अब देखिए, ज़्यादा बड़ा मेरा ध्येय नहीं रहता है कि ज़्यादा देर आपको उलझाए रखूँ वीडियो में। सबसे इम्पोर्टेंट बात, कमर कस लेना है, मोटिवेशन ये रखिए कि एक सीट आपकी ही है। कितनी सीट आ रही है इन दोनों भर्तियों से, तो सीट कम आएगी। पहली बार समझ लीजिए, 51,556 पद दिखाए गए हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, एक साल में लगभग 7,000 के आसपास लोग रिटायर होते हैं, तो वहीं समझ लीजिए कि लगभग आपका 57,58,000 के लगभग आसपास पद आपको देखने को मिल सकते हैं, अगर सरकार ने साल भर के रिटायरमेंट वाले पदों को इसमें जोड़ा तो। नहीं तो फिर 51,556 जो कोर्ट में दिखाई गई थी कितनी हमारे पास नई भर्ती है, तो उतनी आपको तो आनी ही है। यानी कि इन दोनों के सापेक्ष सीट कम है और नंबर ऑफ कैंडिडेट जानते हैं कितने होंगे, 4,31,000 तो 69,000 में थे ना, अब नई भर्ती में 6,00,000 से कम लोग तो आप उम्मीद भी मत करिएगा। क्यों मैं बोल रहा हूँ, दो बड़ी बड़ी प्रशिक्षु आपके जो खड़े हैं पढ़ाई कर BTC जिसको आप DLED के नाम से जानते हैं, 17 बैच और 18 बैच, BEd
16 बैच, 17 बैच, 18 बैच, मतलब तमाम बैचेस हैं वहाँ पर, जो पूरी एक मतलब ये मोटे मोटे तौर पे कहूँ तो दो दो तीन तीन बैच अभी मतलब दो दो लाख एक एक बैच में हैं भर्ती, तो ऐसे जोड़ लिया जाए तो 6 लाख तो ऐसे यही हो गए। और इन दोनों भर्तियों से बचे हुए अभ्यर्थी जिनको दो एक्सपीरियंस है, तो 6 लाख से तो कम नहीं होने वाले, 6 लाख से ज़्यादा ही होंगे। ये मेरी बात चल रही थी एक मित्र से, तो उनसे इसी पर डिस्कशन हुआ कि कितने कैंडिडेट अब आने वाले नए शिक्षक भर्ती में बैठेंगे। तो मैं तो मोटे मोटे तौर पर कहता रहा कि 6 लाख से कम तो होने वाले नहीं। उन्होंने इतना तक बोल दिया कि आने वाले समय में देख लीजिएगा 8 लाख के कहीं ऊपर ना ही आंकड़ा पहुंच जाए। तो इसका मतलब ये समझ रहे हैं कि छोटी मोटी भीड़ नहीं है और सीटें कम हो चुकी हैं दोनों भर्तियों के सापेक्ष। तो आपको कमर कसनी पड़ेगी। मेरिट अगर 150 नंबर का पेपर हुआ जैसा अभी तक होता आया है, तो इस बार मेरिट कम सीटें हैं, तो 110 के आसपास ही अपने आप को देखिएगा, क्योंकि अभी जब इतने लोग थे तब 90-97 गया था। तो समझिए कि जब 4 लाख हैं, 4 का 2 गुना हो जाएगा, तो ये कितनी मेरिट हाई जाने वाली है आप समझ लीजिए। और नंबर ऑफ कैंडिडेट के हिसाब से भी और सीटों के हिसाब से मेरिट आपकी डाइवर्स होती है, तुरंत सडन चेंज होता है। तो इसलिए मैं कहूँगा, और जितने लोग एकेडमिक मेरिट जिनकी कम है वो तो पहले से अपने आप को कमर कस लें। अब आ जाते हैं मोटे मोटे तौर पर, आपको सीट पक्की करनी है तो विषय पर जोर करना। जितने भी आर्ट्स बैकग्राउंड वाले हैं, शॉर्टकट में बात करूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, जितने भी आर्ट्स बैकग्राउंड वाले मित्र लोग हैं उनसे मेरा एक ही निवेदन है कि भैया आप लोग ये काम कर लीजिए कि जो भी विषय आपके लिए तकलीफ दे है, परेशानी आपको आई है, आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं तो आपके लिए मैथमेटिक्स थोड़ी सी परेशान करने वाली होगी। हालांकि ये ज़रूरी नहीं है, आप भी वन डे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने वाले होंगे तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसके लिए आप पूरी कमर कस लीजिएगा पहली बात। दूसरी बात, रीजनिंग वन डे एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा लोग परेशान मैथमेटिक्स से ही होते हैं। तो आपके पास अच्छा खासा समय है, घर बैठे हैं, कहीं जाना भी नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए अपना। आपको जो भी परेशानियाँ कमेंट करिए, मैं कोशिश करूँगा उसकी निजात के लिए एक वीडियो बनाऊँ, आपको जो भी चीज़ें हैं सरल रूप में समझाऊँ। बाकी और भी विभाग से जुड़ी और एकेडमिक मेरिट कैसे होती है, टोटल मेरिट कैसे डिस्क्राइब होती है, डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट मैं लिंक दे दे रहा हूँ, टीचर हेल्प के नाम से आपकी ही मदद के लिए बनाई गई है, ज़रूर देखिएगा। और आपका जो भी प्रश्न हो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, लेकिन पुनः बोल दूँ, मोटिव होना चाहिए एक सीट लेने का, सहायक अध्यापक बनने का और एग्ज़ाम क्रैक करने का, माता पिता को खुश करने का, अपने मन चाहे लक्ष्य को प्राप्त करने का। तो बाधाएं कितनी भी हैं, जीत हमेशा आपकी होगी। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।